चौहान आपका दोस्त और यूपी स्कॉलरशिप अपडेट्स एक ऐसा चैनल है जो आपको सारे अपडेट जो है एक ही चैनल पर दे देता है। चलिए आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली सबसे पहली बात आती है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म जो है वो कब आएंगे। वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर भी छोड़ के स्किप करके चले जाएँ। तो देखिए अगर हम वेबसाइट खोलते हैं तो इस तरीके की वेबसाइट का इंटरफेस आता है आपके सामने, जहाँ पर लिखा होता है छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली, स्कॉलरशिप एंड फी रिवर्समेंट ऑनलाइन सिस्टम। देन यू हैव टू गो टू द स्टूडेंट फॉर्म स्टूडेंट सेक्शन, देन यू हैव थ्री ऑप्शन टू चूज। इफ यू आर न्यू, अगर आप नए हो तो आपको रजिस्ट्रेशन चूज करना है, उसके बाद अगर फ्रेश लॉगिन करना है, उसके बाद रिन्यूअल आपको कर देना है। ठीक है, देख लेते हैं कि भाई अभी फ्रेश का लॉगिन जो है वो चला है या नहीं, या हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, चाहे आप कुछ भी हो। तो आपको जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं, उसके बाद आपको ये कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देती है जिसमें एस सी एस टी जनरल कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी पे ही फ्रेश पे हम करते हैं। तो आप जैसे इस पे दबाते हैं तो फ्रेश जो भी फ्रेश वाले हैं उनके लिए भाई खुल चुका है। तो आप जितने भी फ्रेश वाले हैं जो फ्रेश बनना चाहते हैं वो सारे भाई यहाँ पे आके अपनी स्कॉलरशिप जो है वो भर सकते हैं। पर रिन्यूअल वालों के लिए भाई रजिस्ट्रेशन खुला हो गया, मतलब सबके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो खुल गया है। आपको मैं दिखा दिया, देखो रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप जाओगे, जितने भी फ्रेश वाले हैं चाहे वो एस सी एस टी जनरल कैटेगरी के हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अदर देन, मतलब जो 12वीं पास कर चुके हैं उनके लिए, आप यहाँ पे जैसे ही दबाएंगे आपको यहाँ पे खुला मिल जाएगा इंटरफेस और आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ चीज़ें आपको इसमें बताऊंगा कि भाई इस बार जो है प्रदेश सरकार जो है वो क्या कह रही है। तो प्रदेश में पिछले मतलब अगले आने वाले साल की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। विधानसभा जो चुनाव है उनकी वजह से जो राज्य के गरीब वह जरूरतमंद छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की राशि इसी साल 26 दिसंबर को उनके खाते में जो है स्थानांतरित, मतलब उनको भेज दी जाएगी। इस अवसर पर प्रतीत स्वरूप एवं कार्यक्रम आयोजित जो है किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री समाज कल्याण या अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री उपस्थित जो है वो रहेंगे। अभी तक यह कार्यक्रम जो है वो 24 दिसंबर तक जो है बताया गया है कि 24 जनवरी तक यूपी दिवस, जो यूपी दिवस के अवसर पर आयोजित जो है किया जाता था, या फिर 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है उस पर छात्रवृत्ति वितरण जो है वो की जाता था। ठीक है, पर इस बार जो है पोस्ट मैट्रिक यानी कक्षा 11वीं 12वीं और जो स्नातक जो प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति के आवेदक छात्र छात्राओं को दो हिस्सों में छात्रवृत्ति का जो है फीस भरपाई का लाभ जो है वो मिलेगा। समाज कल्याण निदेशालय के जो सहायक निदेशक एवं छात्रवृत्ति प्रभावी सिद्धार्थ मिश्र के अनुसार ऐसा पहली बार होगा कि प्रत्येक छात्र छात्रा की छात्रवृत्ति व फीस भरपाई की कुल जितनी राशि बनेगी उसका 40% राज्यांश की मद से समाज कल्याण निदेशालय आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित कर देगा। इसके बाद यह सारा ब्यौरा ऑनलाइन जो केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा और फिर सरकार ने 60% जो बची राशि है उसको छात्र छात्रा के बैंक खाते में बाद में जो है स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इतनी जो न्यूज़ थी वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो निकल के आ रही थी। और इस बार आपको क्या करना होगा स्कॉलरशिप का, मैं आपको बता दूँ के रजिस्ट्रेशन करना होगा, आधार ऑथेंटिकेशन आपका करना होगा, फॉर्म सबमिशन आपको करना होगा, वेरीफाई फ्रॉम इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई करना होगा, स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन फॉर्म डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी को जाएगा, उसके बाद आधार बेस्ड फंड जो है वो दिया जाएगा। सब सुन लो, सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो तो मेरे मित्र मेरे भाई इतना जरूर याद रख लेना कि इस बार आधार बेस्ड फंड रिफर्समेंट जो है वो होगा। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे ही लिखा हुआ है कि आधार बेस्ड फंड आएगा। अगर आधार कार्ड में कोई भी चेंजेस करना है तो सबसे पहले अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं जिससे आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में चली जाए। बाकी अगर कुछ भी स्टेटस आता है तो आप यहाँ कॉन्टैक्टस में जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी जो है वो कर सकते हैं। ये कुछ नंबर अपडेट किए गए हैं यहाँ पे, पीके त्रिपाठी और ये सारे जितने भी हैं ये सारे नंबर आपको अपडेट ही जो है मिल जाएंगे। वेबसाइट में भी कुछ चेंजेस आए हैं, पहले वेबसाइट का इंटरफेस कुछ और आता था, अब वेबसाइट का इंटरफेस जो है वो कुछ और आने लगा है। ठीक है, तो भाई स्टे होम स्टे सेफ और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ये जो चैनल है ये आपकी हमेशा, जैसे इस बार मदद की थी, इस बार मैंने कम से कम 30,000 छात्र छात्राओं को
स्कॉलरशिप मैंने दिला 30,000 के करीब हाँ 30,000 के करीब मैंने छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड की है, जिसमें 3,000 का डेटा मेरे पास था, अभी तो नहीं रहा, अब मैं दोबारा कोशिश में लगा हूँ कि किसी की स्कॉलरशिप जो है वो ना रुके। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा।